जहां एक तरफ चिन्मय देहरादून में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां पर वो एक स्कूल खोलना चाह रहा है। सभी इन सारी बातों को लेकर परेशान है कि अगर चिन्मय दादा को वाकई में एजुकेशन में इतना शौक है तो वो क्यों भोसले इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। आखिरकार क्या भोसले इंस्टीट्यूट में उनका कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के राज जल्द ही खुलने वाले हैं क्योंकि चिन्मय ईशा के साथ पहुंचने वाला है भोसले इंस्टीट्यूट। आपने सही सुना, यहाँ पर अब चिन्मय ईशा के साथ भोसले इंस्टीट्यूट जाने वाला है। और यहाँ पर अब जिस तरीके से चिन्मय जो है ईशान से ईशा से मिलवाएगा और ईशा और ईशान का आमना सामना करवाएगा और सारी बातों से पर्दा उठाएगा, उसके बाद सभी को बेहद झटका लगने वाला है। दरअसल भोसले इंस्टीट्यूट ईशा के ही नाम है, लेकिन कुछ सालों पहले राव साहेब ने धोखे से ईशा से साइन करवा कर यहाँ पर सारा का सारा प्रॉपर्टी और इंस्टीट्यूट अपने नाम कर लिया था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले राव साहब इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि पिताजी की वसीयत का राज जो है उनके मरने के 25 साल के बाद ही खुलेगा। दरअसल उसी वकील ने चिन्मय और ईशा को सब कुछ बताया और अब इन लोगों को समझ में आ गया कि कैसे राव और अक्का साहेब ने सारी की सारी प्रॉपर्टी इन लोगों से हड़प ली है। ना सिर्फ ईशा बल्कि यहाँ पर चिन्मय को भी उसका हिस्सा नहीं दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये है क्योंकि चिन्मय इन सारी बातों को जानता था और इसी बात को लेकर वो राव साहेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा था। पर चिन्मय जानता है कि यहाँ पर सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि उसकी ईशा चाची के साथ भी गलत हुआ है और इसीलिए अब वो ईशा को वापस लेकर आया है। यहाँ पर ईशान इन सारी बातों को सुनकर हैरान रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब ईशान के मन में जो भी कड़वाहट है ईशा को लेकर वो दूर होगी? आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।